हे हाय मेरे बच्चों, आप लोग कैसे हो? स्वस्थ हो? अच्छे हो? ठीक है। तो हम लोग आज जा रहे हैं, क्लास स्टार्ट करने जा रहे हैं, ठीक है ना। तो मैं आपको बताऊंगा, क्या बताऊंगा, पिछले क्लास में हम लोगों ने कहा तो पढ़ा था, हम लोगों ने इमेज फॉर्मेशन देख लिया था, ठीक है। ऑब्जेक्ट को 6 पोजिशन में हम लोगों ने रखा और हम लोगों ने उसका इमेज फॉर्म किया और उसका नेचर भी हम लोगों ने देखा। मैं दो चीज आपके, दो इंपॉर्टेंट चीज मैं आपको डिस्कस कर रहा हूँ। एक चीज है, पहले तो मैग्निफाइड है। मैग्निफाइड मतलब क्या होती है बाबू? बहुत बड़ी होती है ना। और डिमिनिश मतलब क्या होती है? छोटी होती है। अगर कोई बोल दे वेरी डिमिनिश, तो बहुत छोटी। वेरी वेरी डिमिनिश, बहुत बहुत छोटी, है ना। तो आप लोग को मजा आएगा इमेज फॉर्मेशन में, है ना। तो अब जो हम लोग लगभग, अब मैं आपको रियली बता रहा हूं, अब तो हम लोग टॉपिक को खत्म करने जा रहे हैं हार्डली 2 क्लास में, 2 से 3 क्लास में, है ना। तो अब हम लोग पहले तो क्या देखेंगे? हम लोग पहले देखने जा रहे हैं यूजेस ऑफ ए कनकेव मिरर, ठीक है। उसके बाद हम लोग देखने जा रहे हैं फिर साइन कन्वेंशन। फिर मैं आपसे बात करूंगा आगे कि अब कन्वेक्स मिरर उसके बाद लास्ट टॉपिक है वो पढ़ना है, उसका इमेज फॉर्मेशन पढ़ना है ना, फिर उसका यूजेस पढ़ना है। बस इतना बचा हुआ, बस और कुछ नहीं। फिर हम लोग नेक्स्ट चैप्टर पढ़ने वाले हैं रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट, दैट इज द यूनिट 5, ठीक है। तो चलो आज हम लोग देखने जा रहे हैं यूजेस ऑफ ए प्लेन मिरर, यूजेस ऑफ ए कनकेव मिरर, सॉरी, है ना। तो मैं बताऊं आपको कनकेव मिरर की, आप लोग देखते हो, पहला तो यूजेस में बताता हूं, पहले मैं आपको समझाता हूं अच्छे से, आप लोग अच्छे से समझना और फिर मुझसे क्वेश्चंस भी आप पूछ सकते हो आराम से। देखो पहला मैं यूजेस आपको बताता हूं, फिल्म वगैरह, ये रियलिटी में आप लोगों ने इतना इतना छोटा छोटा गोल वाला मिरर तो देखा होगा, है ना। तो अब देखो वो जो मतलब मोस्टली जो है फीमेल लोग यूज करती है, मतलब कहीं भी, मतलब अपने मेकअप के लिए, है ना, मेकअप के लिए वो यूज किया जाता है, इतना सर्कुलर मिरर रहता है ना। आप लोग देखे होंगे अपने मतलब आसपास के लोगों के पास, है ना। तो वो क्या होता है, वो कनकेव मिरर ही होता है, ठीक है। वो जो मिरर होता है जो फीमेल वगैरह यूज करती है अपने मेकअप वगैरह के लिए, ठीक है, वो कनकेव मिरर। पहला यूजेस तो वहां हो गया। दूसरा यूजेस क्या हुआ बच्चों? दूसरा यूजेस हुआ जो डेंटिस्ट लोग उसका यूज करते हैं। क्यों यूज करते हैं? पेशेंट वगैरह का, दांत वगैरह का लार्ज इमेज देखने के लिए, कहीं टूथ डिके हो गया, जम्स वगैरह है तो वो उसका जम्स वगैरह का लार्ज इमेज दिखे आराम से, ताकि अंदर अंदर बहुत सारा जम्स छुपा रहता है दांत के अंदर में, तो वो उसका लार्ज इमेज देखने के लिए डेंटिस्ट लोग यूज करते हैं। किसका? कनकेव मिरर का यूज करते हैं। किसका यूज करते हैं? कनकेव मिरर का यूज करते हैं। तीसरा यूजेस मैं बताने जा रहा हूं, आप लोगों ने देखा होगा कि बहुत सारे डॉक्टर्स जो अपने हेड पे पहने हुए रहता है टॉर्च वगैरह, जो पहने हुए रहते हैं सारे डॉक्टर्स वगैरह, बहुत सारे डॉक्टर्स, है ना, ताकि वो जो है बहुत सारा बॉडी पार्ट्स को देख सके क्लियरली, इसलिए उसको अच्छा हो, कभी भी सर्जरी वगैरह कर रहे हैं, वो ऑपरेट कर रहे हैं, तो वो उसका पावरफुल फोकस पड़े उस जगह पे, इसीलिए वो यूज करते हैं वहां पे जो टॉर्च वगैरह। वो भी कौन सा मिरर उसमें यूज होता है? कनकेव मिरर। कनकेव मिरर की एक खासियत होती है, सारे रेज को कन्वर्ज कर देती है, सारे रेज को कन्वर्ज कर देती है एक पॉइंट पे, और एकदम पावरफुल फोकस मिलती है, सॉरी, पावरफुल फोकस मिलती है, इसीलिए कनकेव मिरर का ज्यादा यूजेस होता है, ठीक है। और तीसरा हम लोग यूज करने जा रहे हैं, आप लोग कॉयल वगैरह खदान वगैरह में देखा होगा आप लोग ने, क्या जो बहुत सारे जो वो कॉयल वगैरह निकालने वाले लोग रहते हैं ना, तो उनके भी हेडलाइट्स में, मतलब कि उसके उनके सर्स में, सर वगैरह में जो वो एक पावरफुल फोकस वाला जो टॉर्च लगा हुआ रहता है, उसमें भी कौन सा मिरर यूज होता है? कनकेव मिरर होता है, ठीक है। और जो हम लोग का टॉर्च वगैरह रहता है जलाने वाला बैटरी से, या बहुत सारे गाड़ी के हेडलाइट्स वगैरह रहते हैं, तो उसमें भी किसका यूजेस होता है? कनकेव मिरर का। तो 5-6 यूजेस हम लोगों ने देखा कनकेव मिरर का, ठीक है। आप लोग सब सबको समझ में आया होगा, ठीक है, अच्छे से समझ में आया होगा। तो अब मैं इसको क्या कर रहा हूं, एक 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 करके मैं इसे लिखाने जा रहा हूं, ठीक है। तो आप लोग ध्यान से समझना, अच्छे से समझना, ठीक है, उसके बाद हम लोग आगे बढ़ते हैं। फिर हम लोग देखने जा रहे हैं साइन कन्वेंशन। साइन कन्वेंशन के बाद देखेंगे, अगर साइन कन्वेंशन खत्म हुई तो आगे नेक्स्ट देखेंगे, है ना। तो चलो पहला यूजेस ऑफ कनकेव मिरर लिखो। पहला यूजेस कनकेव मिरर का, क्या लिखो? लिखोगे कनकेव मिरर को यूज किया जाता है सेविंग मिरर के तौर पर, हम लोग अपना चेहरा वगैरह देखने के लिए, मोस्टली फीमेल्स वगैरह अपना मेकअप वगैरह सही करने के लिए वहां पे यूजेस होता है। तो बेटा लिखो, पहले तो लिखो यूजेस ऑफ कनकेव मिरर। कौन सी मिरर बेटा? यूजेस ऑफ कनकेव मिरर। पहला यूजेस होता है कनकेव मिरर इज यूज्ड
एज ए सेविंग सेविंग मिरर सेविंग मिरर सेविंग मिरर टू सी लार्ज इमेजेस टू सी द लार्ज इमेजेस ऑफ द फेस लार्ज इमेजेस ऑफ द फेस. दूसरा यूज बेटा कंकेव मिरर इज यूज बाय द डेंटिस्ट. कंकेव मिरर बेटा सबको समझ में आ रहा होगा, अच्छे से समझो, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, आराम से समझो ठीक है. लेकिन स्पीड कितनी होगी आपकी, स्पीड आपकी होनी चाहिए हाइपर लूप इतनी. वेरी गुड. कंकेव मिरर इज यूज्ड बाय डेंटिस्ट टू सी लार्ज इमेजेस ऑफ टीथ लार्ज इमेजेस ऑफ. तीसरा पॉइंट लिखो बेटा जल्दी छापो फटाफट एकदम हाई स्पीड में. है ना, तो हम लोग देखने जा रहे हैं क्या देखने जा रहे हैं. तीसरा पॉइंट हम लोग देखने जा रहे हैं चलो मैं इसे रब करता हूं ना. बोलो बेटा रब करूं. चलो मैं इसे रब करता हूं. तीसरा चौथा और पांचवा पॉइंट हम लोग लिखने जा रहे हैं. तीसरा चौथा और पांचवा पॉइंट हम लोग लिखने जा रहे हैं. अरे चलो चलो भाई चलो चलो चलो. तीसरा पॉइंट हम लोग क्या यूज करेंगे. तीसरा पॉइंट यूज करेंगे कंकेव मिरर इज यूज्ड as in torch and vehicles headlight mirror to get the powerful beam of light to get the powerful beam of लाइट. वेरी गुड. टू गेट द पावरफुल बीम ऑफ लाइट चौथा पॉइंट. टू गेट द यहां तक छापो बेटा. टू गेट द पावरफुल बीम ऑफ लाइट. वेरी गुड. टू गेट द पावरफुल बीम ऑफ लाइट. टू गेट द पावरफुल बीम ऑफ लाइट. अब हम लोग देखने जा रहे हैं चौथा पॉइंट. चौथा पॉइंट हम लोग क्या देखने जा रहे हैं. चौथा पॉइंट देखने जा रहे हैं हम लोग कि कंकेव मिरर is used as doctor's headlight. Concave mirror is used as doctor's used by doctor's headlight mirror to get the highly focus on any parts of the body and any parts of the body. देखो लैंग्वेज आराम से अपने से खुद से बना के तुम लिख सकते हो. डॉक्टर्स का हेडलाइट मिरर पे यूज किया जाता है ताकि वो जिस पार्ट को ऑपरेट करता हो, जिस पार्ट का सर्जरी करता हो. मान लो कि डॉक्टर्स मेरे हाथ का सर्जरी कर रहे हैं डॉक्टर्स जी, है ना. तो अभी तो डॉक्टर्स जी का बहुत मतलब कि जो काम कर रहे हैं वो लोग बहुत ज्यादा सराहनीय है ना, बहुत ज्यादा प्रशंसनीय है. क्यों, अभी कोविड 19 के सिचुएशन में अगर हम लोग का इंडिया इतना ज्यादा कंट्रोल पे है, इतना मतलब रिकवरी रेट बहुत अच्छी है, ठीक है ना, ठीक होने की रेट इतनी अच्छी है, तो वो सब किन को जाता है, डॉक्टर्स नर्सेस एंड पुलिस वालों का, है ना. तो वो लोग ग्रेट ग्रेट मैन, सब बहुत ग्रेट है ना. तो अगर डॉक्टर्स लोग क्या करते हैं कि कोई पार्ट को सर्जरी करते हैं, कोई भी पार्ट को ऑपरेट करते हैं, तो अगर उनका सर पे एज कंकेव मिरर एज ए हेडलाइट मिरर लगा हुआ रहता है, तो जैसे इस पार्ट को वो ऑपरेट कर रहे हैं, मान लो कि मैं इस वाले पार्ट को ऑपरेट कर रहा हूं, तो ये जो फोकस पड़ रहा है उस वाले पार्ट पे पड़ रहा है मेनली, जिस पार्ट पे ऑपरेट हो रहा है, ठीक है, ताकि कुछ गड़बड़ी ज्यादा ना हो जाए, ठीक है, ताकि अच्छे से ऑपरेट हो, अच्छे से सर्जरी हो, ठीक है, इसलिए यूज किया जाता है. वेरी गुड.
ठीक है नेक्स्ट आगे ये कौन से पॉइंट थे बेटा, चौथा पॉइंट है, चौथा पॉइंट, चौथा पॉइंट थ्री। अब हम लोग पांचवा पॉइंट देखने जा रहे हैं। पांचवा पॉइंट कौन सी, पांचवा पॉइंट मैं आपको बता दूं कि जो हम लोग का कंकेव डिशेस होती है, छत्ती वगैरह देखते हो आप, सबके घर में होगा लगा हुआ, टाटा स्काई डिश टीवी, वीडियो कॉन वगैरह की है। कंकेव डिशेस आर यूज्ड इन आवर होम्स टू गेट द सिग्नल, गेट द सिग्नल फ्रॉम द डिस्टेंट कम्युनिकेशन सैटेलाइट्स। जो भी आप स्ट्रॉन्ग सिग्नल पाते हो टाटा स्काई वगैरह पे, डिश टीवी पे, आप जो भी चैनल्स वगैरह देखते हो, तो वो किसके कारण आप देख पाते हो, ठीक है, वो जो सैटेलाइट्स के द्वारा जो सिग्नल रिसीव करता है, वो छत्ती, वो डिशेस जो होता है, उसी के कारण आप देख पाते हो। क्या देखो, सबसे बड़ी बात क्या होता है, छत्ती तो इस तरीके से रहता है ऐसे करके, ठीक है, जब इस तरीके से रहता है, और ये कौन सा फॉर्म है, कनकेव डिशेस के फॉर्म में, ये डिशेस है, मिरर तो अभी है नहीं, छत्ती वगैरह तो मिरर नहीं होगा, तो डिशेस है, कनकेव डिशेस मतलब कनकेव डिशेस है ना, तो कनकेव डिशेस के फॉर्म में है, तो कनकेव डिशेस का क्या होता है, कनकेव मिरर का मेन जो कंसेप्ट है वो क्या होता है, उसका टेंडेंसी क्या होता है, उसका कन्वर्जिंग टेंडेंसी होता है, जितना भी रेज आएगा उसको एक जगह पे मीट कर देगा, एक जगह पे मिला देगा, तो जितना भी ये कनकेव मिरर इसीलिए जाता है क्योंकि सिग्नल्स वगैरह जितना भी आता है एक पॉइंट पे मिला देता है, मतलब सारे पॉइंट को इंटरसेक्ट कर देता है, मिला देता है, ताकि स्ट्रॉन्ग सिग्नल मिल सके, है ना, तो लिखो जल्दी छापो। नेक्स्ट, तो ये पांच पॉइंट होगी, बस एग्जाम में इससे ज्यादा और कुछ पूछेगी भी नहीं, है ना, काफी है, या एक पॉइंट और भी लिख सकते हो तो लिख लो, है ना, अगर लिखना चाहो तो लिख सकते हो। क्या देखिए, मैं आप लोगों को क्या बताऊं कि वो जो कोयल माइनिंग वगैरह जब होता है ना, तो बहुत सारा, बहुत बार आप लोगों ने देखा होगा डिस्कवरी वगैरह में, जो जो माइनिंग करते हैं, जो पर्सन वगैरह रहते हैं, उनके हेड पे लगा हुआ रहता है, ताकि वो लोग भी जो पावरफुल मतलब बीम ऑफ लाइट उनको भी प्राप्त हो, ताकि माइनिंग वगैरह इजिली हो सके, कोयल माइनिंग वगैरह, है ना। चलो अब हम लोग जा रहे हैं साइन कन्वेंशन पढ़ने। क्या पढ़ने जा रहे हैं? साइन कन्वेंशन। देखो साइन कन्वेंशन पढ़ने का मतलब ये हो गया, अरे यार मैं तो भूल ही गया था, मिरर फॉर्मूला भी डिराइव करना है ना, मिरर फॉर्मूला डिराइव करना, सच 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 सच, ठीक है ठीक है, मिरर फॉर्मूला भी डिराइव करना, वैसे इसका कोई जरूरत नहीं है डिराइव करना, लेकिन मैं करूंगा डिराइव, है ना, मिरर फॉर्मूला मतलब 1 बाय एफ इज इक्वल टू 1 बाय बी प्लस 1 बाय यू, वो भी डिराइव करना है। देखो साइन कन्वेंशन का यूजेस क्या होता है, जब आप न्यूमेरिकल सभी करोगे ना, मिरर फॉर्मूला डिराइव करने के बाद 1 बाय एफ इज इक्वल टू 1 बाय बी प्लस 1 बाय यू, ठीक है, तो वहां पे क्या होगा कि वहां पे आपको बहुत सारा क्वेश्चन दिया हुआ रहेगा, फाइंड आउट करने बोलेगा, फोकल लेंथ फाइंड आउट करने बोलेगा, या इमेज फॉर्म फाइंड आउट करने बोलेगा, ठीक है, ऑब्जेक्ट का पोजीशन दिया हुआ रहेगा, ठीक है, तो उस वाले केस में क्या हो जाता है, जब तक आपको पता नहीं लगेगा कि ऑब्जेक्ट यू, ऑब्जेक्ट इज डिनोटेड बाय, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस इज डिनोटेड बाय यू एंड द इमेज डिस्टेंस इज डिनोटेड बाय वी, मैं बाद में बताऊंगा अच्छे से, एंड द फोकल लेंथ इज डिनोटेड बाय एफ, स्मॉल एफ, ठीक है, तो अगर उस वाले केस में आपको सारे का साइन कन्वेंशन पता नहीं होगा, सही से अच्छे से मालूम नहीं होगी, तो आप न्यूमेरिकल्स मतलब मुश्किल होगी बनाने में थोड़ा सा, है ना, आप लोग सही से आंसर्स नहीं निकले, अगर आंसर्स निकले भी तो वो किसी का माइनस प्लस में प्रॉब्लम रहेगा, है ना, तो इसीलिए साइन कन्वेंशन जो है यहाँ पे
बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो हम लोग अभी जो पढ़ने जा रहे हैं वो साइन कन्वेंशन फॉर स्फेरिकल मिरर, स्फेरिकल मिरर के बारे में पढ़ने जा रहे हैं, ठीक है ना। तो अब देखना, बहुत इंटरेस्टिंग है, बहुत मजा आने वाला है, साइन कन्वेंशन बड़ा अच्छा लगेगा, है ना। तो जल्दी हम लोग देखते हैं। लंबा भी जा रहा है ना बहुत, इतना लेक्चर मतलब 12 लेक्चर हो गए हैं, ठीक है, लेकिन हम लोग आराम से पढ़ेंगे, कोई दिक्कत नहीं। 12 लेक्चर हो गए तो लेक्चर भी तो शॉर्ट ही रहती है, मुश्किल से मेरा एवरेज करो तो 15 से 20 मिनट की लेक्चर रहती है, बहुत मैक्सिमम एक दो लेक्चर 24 मिनट की, एक से दो, एक ही या दो लेक्चर मेनली 15 से 20 के बीच में रहती है, 18 20 फिर 15 16 इस तरीके से रहती है। कुछ कुछ तो दो तीन लेक्चर ऐसे भी है कि जो 10 है 12 है 12 13 ऐसे है, है ना। तो इसीलिए 10-12 मिनट का अगर एक लेक्चर होता है तो उसमें कोई बड़ी इश्यू नहीं है, है ना। तो आराम से आप देख भी सकते हो एक एक करके, जब मन हुआ आराम से 16 मिनट 15 मिनट बैठे एक लेक्चर देख लिए, फिर उस वाले टॉपिक न्यूमेरिकल्स लगाया, उस वाले टॉपिक्स का क्वेश्चंस करा, उसके बाद फिर आगे कभी फिर मन हुआ दिन में 15-20 मिनट बैठे फिर उस वाले टॉपिक्स करा, ऐसे करके अगर 15-16 बार बैठोगे खत्म एक यूनिट। अगर दिन में तुम मान लो कि दो ही बार बैठते हो, दो से तीन बार, तो कितना 15 मिनट करके बैठना है, तो 15-45 मिनट आपको देने हैं ब्रेक करके, तो है ना। जैसे 15 मिनट अभी एक लेक्चर देखा, उसका थोड़ा बहुत क्वेश्चंस देख लिया, कोई भी बुक जो भी आप प्रेफर करते हो, टेंथ में एनसीईआरटी एस चांद या एस टी वर्मा वगैरह जो भी करते हो, है ना, आपके अपने हिसाब से, तो उसका क्वेश्चंस लगाया। फिर अब हम लोग क्या करेंगे कि फिर 15 मिनट बाद में बैठे, थोड़ा सा गैप लेके, अभी पढ़ने का मन नहीं है तो बाद में, फिर उसका क्वेश्चंस लगाया। एक दिन में अगर तीन लेक्चर भी हम लोग देखते हैं तो पांच दिन में खत्म एक यूनिट खत्म। तो बहुत ही आसान है, बहुत अच्छा तरीका भी है, ठीक है, मैंने आपको बताया अच्छे से करना। और उसी तरह हम लोग किसमें भी देखने जा रहे हैं, उसी तरह रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट भी देखने जा रहे हैं, जो इसके बाद जो हम लोग यूनिट पढ़ने जा रहे हैं रिफ्रैक्शन, उसका भी 15-16 लेक्चर में हार्डली 16-17 लेक्चर में उसका भी खत्म हो जाए, वही 15-20 मिनट की लेक्चर होगी, 15 मिनट की लेक्चर, ठीक है। तो आराम से क्वेश्चन, और हम लोग का मेन मुद्दा क्या रहेगा, मेन मोटो हम लोग का क्या है, मेरा पढ़ाने का मेन मोटो आपका जो न्यूमेरिकल्स पोर्शन है वो बहुत स्ट्रांग होनी चाहिए और बनाने में बड़ा मजा हो, तुरंत न्यूमेरिकल्स से कंसेप्ट लगाओ, तुरंत आंसर खटाखट खटाखट आंसर आ रहा हो, ठीक है। मतलब आप क्या करो कि आप कंसेप्ट आपको पूरा है, लेकिन आप क्या करो जैसे कोई न्यूमेरिकल्स, कोई भी नया न्यूमेरिकल्स आ जाए सोचने वाली, आपका कंसेप्ट पूरा क्लियर होना चाहिए, आप उसको तोड़ दो, अगर तोड़ने में आधा घंटा ही लगे, एक घंटा ही लगे, दो घंटा ही लगे, चार घंटा ही लगे, लेकिन खुद से तोड़ दो उसे, ऐसा नहीं कि रटी रटाई बात है, आप चलो यार टूट ही नहीं रहे फिर कॉन्फिडेंस लेवल डाउन, ऐसा नहीं, कॉन्सेप्ट अच्छा रखो, प्रैक्टिस हम लोग ज्यादा करेंगे, न्यूमेरिकल्स पे ज्यादा फोकस करेंगे, ठीक है। तो मैं न्यूमेरिकल्स के लिए भी स्पेशली दो क्लास लूंगा, 10-15 न्यूमेरिकल्स कराऊंगा अच्छे अच्छे तरीके से, है ना, मिरर फॉर्मूला ड्राइव करने के बाद, ठीक है। तो अभी तो लेक्चर चलेगी अच्छे से, है ना, तो क्योंकि मैं सोच रहा हूँ तो जल्दी जल्दी मतलब खत्म हो रही है, लेकिन थोड़ा सा और भी है, न्यूमेरिकल्स वगैरह बहुत स्ट्रांग होने चाहिए, है ना। तो हम लोग न्यूमेरिकल्स वगैरह भी देखेंगे और फिर सारी चीज को एक एक करके खत्म करेंगे, ठीक है। तो अब देखो साइन कन्वेंशन, आज कितना टाइम हो गया, आज छोड़ दे क्या साइन कन्वेंशन, तो चलो मैं तुम लोगों से बात ही कर लेता हूं थोड़ा सा, है ना। देखो बेटा मैं आपको बताऊं क्या, ये तो मैंने बताया आपको पढ़ना किस तरीके से है, क्या करना है नहीं करना है, ठीक है। और फिर हम लोग पहला चैप्टर हम लोग क्या पढ़ रहे हैं, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, दूसरा हम लोग क्या पढ़ने जा रहे हैं, रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट, तीसरा हम लोग पढ़ेंगे ह्यूमन आई, और चौथा हम लोग पढ़ने जा रहे हैं इलेक्ट्रिसिटी, पांचवा पढ़ने जा रहे हैं मैग्नेटिज्म एंड इट्स इफेक्ट, मैग्नेटिक फील्ड एंड इट्स इफेक्ट, है ना। और उसके बाद जो लास्ट चैप्टर हम लोग पढ़ने जा रहे हैं सोर्सेस ऑफ एनर्जी, है ना। उसके बाद फिर हम लोग केमिस्ट्री शुरू करेंगे, क्या शुरू करेंगे, केमिस्ट्री शुरू करेंगे, फिर केमिस्ट्री का सारा चैप्टर्स पढ़ना है, ठीक है ना। तो इसलिए आराम से, एग्जाम की ज्यादा टेंशन, एग्जाम होते होते हम लोग के एग्जाम कब है, हम लोग के एग्जाम है आपको फरवरी लास्ट से, है ना, फरवरी लास्ट से शुरू होगी, तो तब तक हम लोग का एकदम फिजिक्स केमिस्ट्री बहुत अच्छे से शुरू हो खत्म हो जाएगी। उसके बाद फिर मैं देखूंगा 11th का लेक्चर मैं फिर बनाना शुरू करूंगा, फिर आप लोग 11th में जुड़ जाना उस तरीके से, ठीक है ना। तो इसके लिए कोई बड़ी इश्यू नहीं, कोई भी प्रॉब्लम्स हो आप आराम से पूछो, बेझिझक पूछो,
कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। और न्यूमेरिकल जो है मैं जब मिरर फॉर्मूला प्रूव करूंगा और रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट में लेंस फॉर्मूला प्रूव करूंगा, है ना, तो उसके बाद आपकी न्यूमेरिकल्स की स्पीड, रफ्तार और प्रैक्टिस ज्यादा होनी चाहिए। मैं तो प्रैक्टिस कराऊंगा ही, लेकिन आपकी भी रफ्तार तगड़ी होनी चाहिए, ठीक है। न्यूमेरिकल्स मेरा मोटो है कि न्यूमेरिकल्स पोर्शन जो है वो बहुत मजबूत होना चाहिए, बहुत तगड़ा होना चाहिए। आज के लिए थैंक यू वेरी मच, आप लोगों को बहुत मजा आया होगा जो भी मैंने आपको यूजर्स लिखा है आज। तो हालांकि मैंने कुछ ज्यादा पढ़ाया नहीं, लेकिन जितना भी पढ़ाया बहुत मजा आया होगा, ठीक है, तो एकदम दिमाग में छप गया होगा। आज के लिए इतना, थैंक यू, फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। हे मेरे बच्चों, आप लोग कैसे हो, स्वस्थ हो, अच्छे हो, ठीक है। तो हम लोग आज जा रहे हैं, क्लास स्टार्ट करने जा रहे हैं, ठीक है ना। तो मैं आपको बताऊंगा, क्या बताऊंगा, पिछले क्लास में हम लोगों ने कहा तो पढ़ा था, हम लोगों ने इमेज फॉर्मेशन देख लिया था, ठीक है। ऑब्जेक्ट को 6 पोजिशन में हम लोगों ने रखा और हम लोगों ने उसका इमेज फॉर्म किया और उसका नेचर भी हम लोगों ने देखा। मैं दो चीज आपके, दो इंपॉर्टेंट चीज मैं आपको डिस्कस कर रहा हूं। एक चीज है, पहले तो मैग्निफाइड है। मैग्निफाइड मतलब क्या होती है बाबू, बहुत बड़ी होती है ना। और डिमिनिश्ड मतलब क्या होती है, छोटी होती है। अगर कोई बोल दे वेरी डिमिनिश्ड तो बहुत छोटी, वेरी वेरी डिमिनिश्ड बहुत बहुत छोटी, है ना। तो आप लोग को मजा आएगा इमेज फॉर्मेशन में, है ना। तो अब जो हम लोग लगभग, अब मैं आपको रियली बता रहा हूं, अब तो हम लोग टॉपिक को खत्म करने जा रहे हैं हार्डली दो क्लास में, दो से तीन क्लास में, है ना। तो अब हम लोग पहले तो क्या देखेंगे, हम लोग पहले देखने जा रहे हैं यूजेस ऑफ ए कनकेव मिरर, ठीक है। उसके बाद हम लोग देखने जा रहे हैं फिर साइन कन्वेंसर, फिर मैं आपसे बात करूंगा आगे कि अब कन्वेक्स मिरर उसके बाद लास्ट टॉपिक है वो पढ़ना है, उसका इमेज फॉर्मेशन पढ़ना है ना, फिर उसका यूजेस पढ़ना है, बस इतना बचा हुआ, बस और कुछ नहीं। फिर हम लोग नेक्स्ट चैप्टर पढ़ने वाले हैं रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट, दैट इज द यूनिट 5, ठीक है। तो चलो आज हम लोग देखने जा रहे हैं यूजेस ऑफ ए प्लेन मिरर, यूजेस ऑफ ए कनकेव मिरर, सॉरी, है ना। तो मैं बताऊं आपको कनकेव मिरर की, आप लोग देखते हो, पहला तो यूजेस में बताता हूं, पहले मैं आपको समझाता हूं अच्छे से, आप लोग अच्छे से समझना और फिर मुझसे क्वेश्चंस भी आप पूछ सकते हो, आराम से देखो। पहला मैं यूजेस आपको बताता हूं, फिल्म वगैरह, ये रियलिटी में आप लोगों ने इतना इतना छोटा छोटा गोल वाला मिरर तो देखा होगा, है ना। तो अब देखो, वो जो मतलब मोस्टली जो है फीमेल लोग यूज करती है, मतलब कहीं भी हो, मतलब अपने मेकअप के लिए, है ना, मेकअप के लिए वो यूज किया जाता है, इतना सर्कुलर मिरर रहता है ना, आप लोग देखे होंगे अपने मतलब आसपास के लोगों के पास, है ना। तो वो क्या होता है, वो कनकेव मिरर ही होता है, ठीक है, वो जो मिरर होता है जो फीमेल वगैरह यूज करती है अपने मेकअप वगैरह के लिए, ठीक है, वो कनकेव मिरर। पहला यूजेस तो वहां हो गया। दूसरा यूजेस क्या हुआ बच्चों, दूसरा यूजेस हुआ जो डेंटिस्ट लोग उसका यूज करते हैं, क्यों यूज करते हैं, पेशेंट वगैरह का, दांत वगैरह का लार्ज इमेज देखने के लिए, कहीं टूथ डिके हो गया, जम्स वगैरह है तो वो उसका जम्स वगैरह का लार्ज इमेज दिखे आराम से, ताकि अंदर अंदर बहुत सारा जम्स छुपा रहता है दांत के अंदर में, तो वो उसका लार्ज इमेज देखने के लिए डेंटिस्ट लोग यूज करते हैं किसका, कनकेव मिरर का यूज करते हैं, किसका यूज करते हैं, कनकेव मिरर का यूज करते हैं। तीसरा यूजेस मैं बताने जा रहा हूं, आप लोगों ने देखा होगा कि बहुत सारे डॉक्टर्स जो अपने हेड पे पहने हुए रहता है टॉर्च वगैरह जो पहने हुए रहते हैं सारे डॉक्टर्स वगैरह, बहुत सारे डॉक्टर्स है ना, ताकि वो जो है बहुत सारा बॉडी पार्ट्स को देख सके क्लियरली, इसलिए उसको अच्छा हो, कभी भी सर्जरी वगैरह कर रहे हैं, वो ऑपरेट कर रहे हैं तो वो उसका पावरफुल फोकस पड़े उस जगह पे, इसीलिए वो यूज करते हैं वहां पे जो टॉर्च वगैरह, वो भी कौन सा मिरर उसमें यूज होता है, कनकेव मिरर। कनकेव मिरर की एक खासियत होती है, सारे रेज को कन्वर्ज कर देती है, सारे रेज को कन्वर्ज कर देती है एक पॉइंट पे, और एकदम पावरफुल फोकस मिलती है, सॉरी पावरफुल फोकस मिलती है, इसीलिए कनकेव मिरर का ज्यादा यूजेस होता है, ठीक है। और तीसरा हम लोग यूज करने जा रहे हैं, आप लोग कॉयल वगैरह खदान वगैरह में देखा होगा आप लोगों ने, क्या जो बहुत सारे जो वो कॉयल वगैरह निकालने वाले लोग रहते हैं ना, तो उनके भी हेडलाइट्स में मतलब कि उसके उनके सर्स में सर वगैरह में जो वो एक पावरफुल फोकस वाला जो टॉर्च लगा हुआ रहता, उसमें भी कौन सा मिरर यूज होता है, कनकेव मिरर होता है, ठीक है। और जो हम लोग का टॉर्च वगैरह रहता है जलाने वाला बैटरी से, या बहुत सारे गाड़ी के हेडलाइट्स वगैरह रहते हैं, तो उसमें भी किसका यूजेस होता है, कनकेव मिरर का। तो 5-6 यूजेस हम लोगों ने देखा कनकेव मिरर का, ठीक है, आप लोग सब सबको समझ में आया होगा, ठीक है, अच्छे से समझ में आया होगा। तो अब मैं इसको क्या कर रहा हूं, एक एक करके मैं इसे लिखाने जा रहा हूं, ठीक है। तो आप लोग ध्यान से समझना, अच्छे से समझना, ठीक है, उसके बाद हम लोग आगे बढ़ते हैं। फिर हम लोग देखने जा रहे हैं साइन कन्वेंशन, साइन कन्वेंशन के बाद देखेंगे, अगर साइन कन्वेंशन खत्म हुई तो आगे नेक्स्ट देखेंगे, है ना। तो
चलो पहला यूजेस ऑफ कॉनकेव मिरर लिखो। पहला यूजेस कॉनकेव मिरर का क्या लिखोगे? कॉनकेव मिरर को यूज किया जाता है सेविंग मिरर के तौर पे, हम लोग अपना चेहरा वगैरह देखने के लिए, मोस्टली फीमेल्स वगैरह अपने मेकअप वगैरह सही करने के लिए वहां पे यूजेस होता है। तो बेटा लिखो पहला, पहले तो लिखो यूजेस ऑफ कॉनकेव मिरर। कौन सी मिरर बेटा? यूजेस ऑफ कॉनकेव मिरर। पहला यूजेस होता है कॉनकेव मिरर इज यूज्ड एज ए सेविंग सेविंग मिरर सेविंग मिरर सेविंग मिरर टू सी लार्ज इमेजेस टू सी द लार्ज इमेजेस ऑफ द फेस लार्ज इमेजेस ऑफ द फेस। दूसरा यूज बेटा कॉनकेव मिरर यूज बाय द डेंटिस्ट। कॉनकेव मिरर बेटा सबको समझ में आ रहा होगा, अच्छे से समझो, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, आराम से समझो ठीक है। लेकिन स्पीड कितनी होगी आपकी? स्पीड आपकी होनी चाहिए हाइपर लूप इतनी। वेरी गुड। कॉनकेव मिरर इज यूज्ड बाय डेंटिस्ट टू सी लार्ज इमेजेस ऑफ टीथ लार्ज इमेजेस ऑफ। तीसरा पॉइंट लिखो बेटा, जल्दी छापो फटाफट एकदम हाई स्पीड में। है ना? तो हम लोग देखने जा रहे हैं, क्या देखने जा रहे हैं? तीसरा पॉइंट हम लोग देखने जा रहे हैं, चलो मैं इसे रब करता हूं ना, बोलो बेटा रब करूं? चलो मैं इसे रब करता हूं। तीसरा चौथा और पांचवा पॉइंट हम लोग लिखने जा रहे हैं। तीसरा चौथा और पांचवा पॉइंट हम लोग लिखने जा रहे हैं। अरे चलो चलो भाई चलो चलो चलो। तीसरा पॉइंट हम लोग क्या यूज करेंगे? तीसरा पॉइंट यूज करेंगे कॉनकेव मिरर इज यूज्ड एज इन टॉर्च एंड हेडलाइट मिरर टू गेट द पावरफुल बीम ऑफ लाइट। टू गेट द पावरफुल बीम ऑफ लाइट। वेरी गुड। टू गेट द पावरफुल बीम ऑफ लाइट चौथा पॉइंट। टू गेट द यहां पर छापो बेटा, टू गेट द पावरफुल बीम ऑफ लाइट। वेरी गुड। टू गेट द पावरफुल बीम ऑफ लाइट। टू गेट द पावरफुल बीम ऑफ लाइट। अब हम लोग देखने जा रहे हैं चौथा पॉइंट। चौथा पॉइंट हम लोग क्या देखने जा रहे हैं? चौथा पॉइंट देखने जा रहे हैं हम लोग कि कॉनकेव मिरर इज यूज्ड एज डॉक्टर्स हेडलाइट। कॉनकेव मिरर इज यूज्ड एज डॉक्टर्स यूज्ड बाय डॉक्टर्स हेडलाइट मिरर टू गेट To get the highly focus on any parts of the body and any parts of the body. देखो लैंग्वेज आराम से अपने से खुद से बना के तुम लिख सकते हो। डॉक्टर्स का हेडलाइट मिरर पे यूज किया जाता है ताकि वो जिस
पार्ट को ऑपरेट करता हूं, जिस पार्ट का सर्जरी करता हूं, मान लो कि डॉक्टर्स मेरे हाथ का सर्जरी कर रहे हैं डॉक्टर्स जी, है ना, तो अभी तो डॉक्टर्स जी का बहुत मतलब कि जो काम कर रहे हैं वो लोग बहुत ज्यादा सराहनीय है ना, बहुत ज्यादा प्रशंसनीय है। क्यों? अभी कोविड-19 के सिचुएशन में अगर हम लोग का इंडिया इतना ज्यादा कंट्रोल पे है, इतना मतलब रिकवरी रेट बहुत अच्छी है, ठीक है ना, ठीक होने की रेट इतनी अच्छी है, तो वो सब किन को जाता है? डॉक्टर्स नर्सेस एंड पुलिस वालों का, है ना, तो वो लोग ग्रेट ग्रेट मैन, सब बहुत ग्रेट है ना। तो अगर डॉक्टर्स लोग क्या करते हैं कि कोई पार्ट को सर्जरी करते हैं, कोई भी पार्ट को ऑपरेट करते हैं, तो अगर उनका सर पे एज कनकेव मिरर, एज ए हेडलाइट मिरर लगा हुआ रहता है, तो जैसे इस पार्ट को वो ऑपरेट कर रहे हैं, मान लो कि मैं इस वाले पार्ट को ऑपरेट कर रहा हूं, तो ये जो फोकस पड़ रहा है उस वाले पार्ट पे पड़ रहा है मेनली, जिस पार्ट पे ऑपरेट हो रहा है, ठीक है, ताकि कुछ गड़बड़ी ज्यादा ना हो जाए, ठीक है, ताकि अच्छे से ऑपरेट हो, अच्छे से सर्जरी हो, ठीक है, इसलिए यूज किया जाता है। वेरी गुड। ठीक है, नेक्स्ट आगे। ये कौन से पॉइंट थे बेटा? चौथा पॉइंट है, चौथा पॉइंट, चौथा पॉइंट थ्री। अब हम लोग पांचवा पॉइंट देखने जा रहे हैं। पांचवा पॉइंट कौन सी? पांचवा पॉइंट मैं आपको बता दूं कि जो हम लोग का कंकेव डिशेस होती है, छत्ती वगैरह देखते हो आप, सबके घर में होगा लगा हुआ, टाटा स्काई डिश टीवी, वीडियो कॉन वगैरह के हैं। कंकेव डिशेस आर यूज्ड इन आवर होम्स टू गेट द सिग्नल, गेट द सिग्नल फ्रॉम द डिस्टेंट कम्युनिकेशन सैटेलाइट्स। जो भी आप स्ट्रॉन्ग सिग्नल पाते हो टाटा स्काई वगैरह पे, डिश टीवी पे, आप जो भी चैनल्स वगैरह देखते हो, तो वो किसके कारण आप देख पाते हो? ठीक है, वो जो सैटेलाइट्स के द्वारा जो सिग्नल रिसीव करता है, वो छत्ती, वो डिशेस जो होता है, उसी के कारण आप देख पाते हो। क्या देखो, सबसे बड़ी बात क्या होता है, छत्ती तो इस तरीके से रहता है ऐसे करके, ठीक है, जब इस तरीके से रहता है, और ये कौन सा फॉर्म है? कनकेव डिशेस के फॉर्म है, ये डिशेस है, मिरर तो अभी है नहीं, छत्ती वगैरह तो मिरर नहीं होगा, तो डिशेस है, कनकेव डिशेस मतलब कनकेव डिशेस है ना, तो कनकेव डिशेस के फॉर्म में है। तो कनकेव डिशेस का क्या होता है, कनकेव मिरर का मेन जो कंसेप्ट है वो क्या होता है, उसका टेंडेंसी क्या होता है, उसका कन्वर्जिंग टेंडेंसी होता है, जितना भी रेज आएगा उसको एक जगह पे मीट कर देगा, एक जगह पे मिला देगा। तो जितना भी ये कनकेव मिरर इसीलिए जाता है क्योंकि सिग्नल्स वगैरह जितना भी आता है एक पॉइंट पे मिला देता है, मतलब सारे पॉइंट को इंटरसेक्ट कर देता है, मिला देता है, ताकि स्ट्रॉन्ग सिग्नल मिल सके, है ना। तो लिखो जल्दी, छापो। नेक्स्ट, तो ये पांच पॉइंट होगी, बस एग्जाम में इससे ज्यादा और कुछ पूछेगी नहीं, है ना, काफी है। या एक पॉइंट और भी लिख सकते हो तो लिख लो, है ना, अगर लिखना चाहो तो लिख सकते हो। क्या देखिए, मैं आप लोगों को क्या बताऊं कि वो जो कोयल माइनिंग वगैरह जब होता है ना, तो बहुत बार आप लोगों ने देखा होगा डिस्कवरी वगैरह में, जो जो माइनिंग करते हैं, जो पर्सन वगैरह रहते हैं, उनके हेड पे लगा हुआ रहता है, ताकि वो लोग भी जो पावरफुल मतलब बीम ऑफ लाइट उनको भी प्राप्त हो, ताकि माइनिंग वगैरह इजिली हो सके, कोयल माइनिंग वगैरह, है ना। चलो, अब हम लोग जा रहे हैं साइन कन्वेंशन पढ़ने। क्या पढ़ने जा रहे हैं? साइन कन्वेंशन। देखो, साइन कन्वेंशन पढ़ने का मतलब ये हो गया, अरे यार मैं तो भूल गया था, मिरर फॉर्मूला भी डिराइव करना है ना।
मिरर फॉर्मूला ड्राइव करना सबसे अच्छा सबसे अच्छा। ठीक है मिरर फॉर्मूला भी ड्राइव करना, वैसे इसका कोई जरूरत नहीं है ड्राइव करना, लेकिन मैं करूंगा डिराइव, है ना। मिरर फॉर्मूला मतलब 1 by f is equal to 1 by b plus 1 by u, वो भी ड्राइव करना है। देखो साइन कन्वेंशन का यूजेस क्या होता है, जब आप न्यूमेरिकल सभी करोगे ना मिरर फॉर्मूला ड्राइव करने के बाद 1 by f is equal to 1 by b plus 1 by u, ठीक है, तो वहां पे क्या होगा कि वहां पे आपको बहुत सारा क्वेश्चन दिया हुआ रहेगा, फाइंड आउट करने बोलेगा, फोकल लेंथ फाइंड आउट करने बोलेगा, या इमेज फॉर्म फाइंड आउट करने बोलेगा, ठीक है, ऑब्जेक्ट का पोजीशन दिया हुआ रहेगा, ठीक है। तो उस वाले केस में क्या हो जाता है, जब तक आपको पता नहीं लगेगा कि ऑब्जेक्ट यू, ऑब्जेक्ट इज डिनोटेड बाय, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस इज डिनोटेड बाय यू एंड द इमेज डिस्टेंस इज डिनोटेड बाय वी, मैं बाद में बताऊंगा अच्छे से, एंड द फोकल लेंथ इज डिनोटेड बाय एफ, स्मॉल एफ, ठीक है। तो अगर उस वाले केस में आपको सारे का साइन कन्वेंशन पता नहीं होगा, सही से अच्छे से मालूम नहीं होगी, तो आप न्यूमेरिकल्स मतलब मुश्किल होगी बनाने में थोड़ा सा, है ना, आप लोग सही से आंसर्स नहीं निकले, अगर आंसर्स निकले भी निकलेगी भी तो वो किसी का माइनस प्लस में प्रॉब्लम रहेगा, है ना। तो इसीलिए साइन कन्वेंशन जो है यहाँ पे बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो हम लोग अभी जो पढ़ने जा रहे हैं वो साइन कन्वेंशन फॉर स्फेरिकल मिरर, स्फेरिकल मिरर के बारे में पढ़ने जा रहे हैं, ठीक है ना। तो अब देखना बहुत इंटरेस्टिंग है, बहुत मजा आने वाला है, साइन कन्वेंशन बड़ा अच्छा लगेगा, है ना। तो जल्दी हम लोग देखते हैं, देखो थोड़ा लंबा भी जा रहा है ना बहुत, इतना लेक्चर मतलब 12 लेक्चर हो गए हैं, ठीक है, लेकिन हम लोग आराम आराम से पढ़ेंगे, कोई दिक्कत होती, 12 लेक्चर हो गए तो लेक्चर भी तो शॉर्ट ही रहती है, मुश्किल से मेरा एवरेज करो तो 15 से 20 मिनट की लेक्चर रहती है, बहुत मैक्सिमम एक दो लेक्चर 24 मिनट की, एक से दो, एक ही या दो लेक्चर मेनली 15 से 20 के बीच में रहती है, 18 20 फिर 15 16 इस तरीके से रहती है, कुछ कुछ तो दो तीन लेक्चर ऐसे भी है कि जो 10 है 12 है 12 13 ऐसे है, है ना। तो इसीलिए 10 12 मिनट का अगर एक लेक्चर होता है तो उसमें कोई बड़ी इश्यू नहीं है, है ना, तो आराम से आप देख भी सकते हो एक एक करके, जब मन हुआ आराम से 16 मिनट 15 मिनट बैठे एक लेक्चर देख लिए, फिर उस वाले टॉपिक न्यूमेरिकल्स लगाया, उस वाले टॉपिक्स का क्वेश्चंस करा, उसके बाद फिर आगे कभी फिर मन हुआ दिन में 15 20 मिनट बैठे फिर उस वाले टॉपिक्स करा, ऐसे करके अगर 15 16 बार बैठोगे खत्म एक यूनिट। अगर दिन में तुम मान लो कि चार तीन दो ही बार बैठते हो, दो से तीन बार, तो कितना 15 मिनट करके बैठना है, तो 15 मिनट आपको देने हैं, ब्रेक करके दो, है ना। जैसे 15 मिनट अभी एक लेक्चर देखा, उसका थोड़ा बहुत क्वेश्चंस देख लिया, कोई भी बुक जो भी आप प्रेफर करते हो, टेंथ में एनसीईआरटी एस चांद या एस टी वर्मा वगैरह जो भी करते हो, है ना, आपके अपने हिसाब से, तो उसका क्वेश्चंस लगाया, फिर अब हम लोग क्या करेंगे कि फिर 15 मिनट बाद में बैठे, थोड़ा सा गैप लेके, अभी पढ़ने का मन नहीं है तो बाद में, फिर उसका क्वेश्चंस लगाया, एक दिन में अगर तीन लेक्चर भी हम लोग देखते हैं तो 5 दिन में खत्म, 5 दिन में खत्म, एक यूनिट खत्म। तो बहुत ही आसान है, बहुत अच्छा तरीका भी है, ठीक है, मैंने आपको बताया अच्छे से करना, और उसी तरह हम लोग किसमें भी देखने जा रहे हैं, उसी तरह रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट भी देखने जा रहे हैं, जिसके बाद जो हम लोग यूनिट पढ़ने जा रहे हैं रिफ्रैक्शन, उसका भी 15-16 लेक्चर में हार्डली 16-17 लेक्चर में उसका भी खत्म हो जाएगा, वही 15 से 20 मिनट की लेक्चर होगी, 15 मिनट की लेक्चर मैक्सिमम, ठीक है। तो आराम से क्वेश्चन, और हम लोग का मेन मुद्दा क्या रहेगा, मेन मोटो हम लोग का क्या है, मेरा पढ़ाने का मेन मोटो आपका जो न्यूमेरिकल्स पोर्शन है वो बहुत स्ट्रांग होनी चाहिए, और बनाने में बड़ा मजा हो, तुरंत न्यूमेरिकल्स से कंसेप्ट लगाओ, तुरंत आंसर खटाखट खटाखट आंसर आ रहा हो, ठीक है। मतलब आप क्या करो कि आप कंसेप्ट आपको पूरा है, लेकिन आप क्या करो जैसे कोई न्यूमेरिकल्स, कोई भी नया न्यूमेरिकल्स आ जाए सोचने वाली, आपका कंसेप्ट पूरा क्लियर होना चाहिए, आप उसको तोड़ दो, अगर तोड़ने में आधा घंटा ही लगे, एक घंटा ही लगे, दो घंटा ही लगे, चार घंटा ही लगे, लेकिन खुद से तोड़ दो उसे, ऐसा नहीं कि रटी रटाई बात है, अब चलो यार टूट ही नहीं रहे फिर कॉन्फिडेंस लेवल डाउन, ऐसा नहीं, कॉन्सेप्ट अच्छा रखो, प्रैक्टिस हम लोग ज्यादा करेंगे, न्यूमेरिकल्स पे ज्यादा फोकस करेंगे, ठीक है। तो मैं न्यूमेरिकल्स के लिए भी स्पेशली दो क्लास लूंगा, 10 से 15 न्यूमेरिकल्स कराऊंगा अच्छे अच्छे तरीके से, है ना, मिरर फॉर्मूला ड्राइव करने के बाद, ठीक है। तो अभी तो लेक्चर चलेगी अच्छे से, है ना, तो क्योंकि मैं सोच रहा हूँ तो जल्दी जल्दी मतलब खत्म हो रही है, लेकिन थोड़ा सा और भी है, न्यूमेरिकल्स वगैरह बहुत स्ट्रांग होने चाहिए, है ना। तो हम लोग न्यूमेरिकल्स वगैरह भी देखेंगे और फिर सारी चीज को एक एक करके खत्म करेंगे, ठीक है। तो अब देखो साइन कन्वेंशन, आज कितना टाइम हो गया, आज छोड़ दे क्या साइन कन्वेंशन, तो चलो मैं तुम लोगों से बात ही कर लेता हूं थोड़ा सा, है ना। देखो बेटा मैं आपको बताऊं क्या,
ये तो मैंने बताया आपको पढ़ना किस तरीके से है, क्या करना है नहीं करना है, ठीक है। और फिर हम लोग पहला अभी पहला चैप्टर हम लोग क्या पढ़ रहे हैं, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। दूसरा हम लोग क्या पढ़ने जा रहे हैं, रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। तीसरा हम लोग पढ़ेंगे ह्यूमन आई, और चौथा हम लोग पढ़ने जा रहे हैं इलेक्ट्रिसिटी, पांचवा पढ़ने जा रहे हैं मैग्नेटिज्म एंड इट्स इफेक्ट, मैग्नेटिक फील्ड एंड इट्स इफेक्ट, है ना। और उसके बाद जो लास्ट चैप्टर हम लोग पढ़ने जा रहे हैं सोर्सेस ऑफ एनर्जी, है ना। उसके बाद फिर हम लोग केमिस्ट्री शुरू करेंगे, क्या शुरू करेंगे, केमिस्ट्री शुरू करेंगे, फिर केमिस्ट्री का सारा चैप्टर्स पढ़ना, ठीक है ना। तो इसलिए आराम से एग्जाम की ज्यादा टेंशन, एग्जाम होते होते हम लोग के एग्जाम कब है, हम लोग के एग्जाम है आपको फरवरी लास्ट से, है ना, फरवरी लास्ट से शुरू होगी। तो तब तक हम लोग का एकदम फिजिक्स केमिस्ट्री बहुत अच्छे से शुरू हो खत्म हो जाएगी। उसके बाद फिर मैं देखूंगा इलेवंथ का लेक्चर मैं फिर बनाना शुरू करूंगा, फिर आप लोग इलेवंथ में जुड़ जाना उस तरीके से, ठीक है ना। तो इसके लिए कोई बड़ी इश्यू नहीं, कोई भी प्रॉब्लम्स हो आप आराम से पूछो, बेझिझक पूछो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। और न्यूमेरिकल जो है मैं जब मिरर फॉर्मूला प्रूव करूंगा और रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट में लेंस फॉर्मूला प्रूव करूंगा, है ना, तो उसके बाद आपकी न्यूमेरिकल की स्पीड, रफ्तार और प्रैक्टिस ज्यादा होने चाहिए। मैं तो प्रैक्टिस कराऊंगा नहीं, लेकिन आपकी भी रफ्तार तगड़ी होनी चाहिए, ठीक है। न्यूमेरिकल्स मेरा मोटो है कि न्यूमेरिकल्स पोर्शन जो है वो बहुत मजबूत होना चाहिए, बहुत तगड़ा होना चाहिए। आज के लिए थैंक यू वेरी मच, आप लोगों को बहुत मजा आया होगा जो भी मैंने आपको यूजेस लिखा है आज। तो हालांकि मैंने कुछ ज्यादा पढ़ाया नहीं, लेकिन जितना भी पढ़ाया बहुत मजा आया होगा, ठीक है। तो एकदम दिमाग में छप गया होगा। आज के लिए इतना, थैंक यू, फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।